हाँ जी, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जिवें कि तुसी सारयां ने थंबनेल दे विच देख ही लिया होना है कि अपने पंजाब दे विच एनटीटी दी रिक्रूटमेंट जिहड़ी नर्सरी टीचर ट्रेनिंग वास्ते जिहड़ी रिक्रूटमेंट जिहड़ी आउट होण जा रही है। इस तो पहला भी जिहड़ी एक वारी ए वाली रिक्रूटमेंट आई सी जिंदे विच 8393 जिहड़ियां पोस्टां आउट होईयां सी। हालांकि कुछ कारणां करके ये जिहड़ा रिक्रूटमेंट है नोटिफिकेशन है यह रद्द कर दिता गया सी, वापिस ले लिया गया सी, ते दोबारा जिहड़ी इहदे विच सोध करके एनटीटी दी रिक्रूटमेंट वास्ते जिहड़ियां अपकमिंग पंजाब दे विच वैकेंसीज आउट होण जा रही हैं बहुत ही जल्दी। तां इहदा सिलेबस की होएगा? देखो, जिन्हां नूं लगदा है भी जदों आपां अपने कोल नोटिफिकेशन आ गया आपां उदों पढ़ना स्टार्ट करांगे, क्योंकि हजे तक सिलेबस नहीं पता, तां इह चीज़ इह कहना बहुत गलत होगा कि उदों जाके अपनी तैयारी हो जाऊगी। देखो, जदों भी अपने कोल नोटिफिकेशन आ जाता है तां उस तो बाद तैयारी जस्ट बूस्टअप हो सकती है, मतलब आपां होर तेज़ तरीके नाल कर सकते हैं, पर जो एट प्रेजेंट होने वाला समय है तां इह तैयारी स्टार्ट करन दे लई बेस्ट समय है। तां इस वीडियो दे विच आपां इही गल करन जा रहे हैं भी सिलेबस आपां ओह वाला स्टार्ट करना है कि जिहड़ा अपने पुराने पेपर दे विच पहलां आपां देखदे हां कि कुछ हैगा सी सिलेबस दे विच, हुण की कुछ हो सकता है। तां जिहड़ा सिलेबस डेफिनेटली आना ही आना है उनके बारे आप गल भी करा तो उनकी तैयारी भी शुरू आप करनी है। मतलब आप कुछ सब्जेक्ट तो स्टार्ट करिए हूँ ता कि अपने पेपर तो पहला पहला नोटिफिकेशन तो पहला पहला आप वाले सब्जेक्ट के की है पूरा एक्सपीरियंसड हो जाइए। मतलब आपू पता हो सिलेबस के सबजैक्ट अपना तैयार है या हूँ तैयार किया जा सकता है। तो सिलेबस की होएगा इनकी गल कर जा रहे हैं, किड़ा सबजैक्ट हूँ तुम जरा पढ़ना है, मतलब तैयारी कितों शुरू करनी है, तो तैयारी किवें की जा सकती है, बेस्ट तैयारी किवें की जा सकती है। वीडियो एंड तक देखोगे तो तुहानू हर एक जिहड़ी चीज़ क्लीयर होगी। सब तो पहला अगर आप गल करिए जिवें कि पिछला नोटिफिकेशन आउट होया 8393 वाला, इन दे विच सिलेबस की कुछ सी ते हुण सिलेबस दे विच की कुछ आ सकता है इहदी आप गल करन जा रहे हैं। तो पहला आप 8393 दे विच जिहड़े सबजैक्ट सी अपने उहनां दी गल करदे हां। जिमें इन्दे विच मेंशन सी कि अपने जर्नल नॉलेज आएगी ही आएगी, मतलब जीके ते करंट अफेयर वाला पोर्शन ये आना है। हालांकि इस वारी पेपर दे विच जिहड़ी वेटेज है वह घट जां वध सकती है, पर यह तो श्योर है कि जीके सबजैक्ट जिहड़ा इस वारी पेपर दे विच जरूर होएगा अपने। दूजा सबजैक्ट गल कीती जावे 8393 दे विच मेंटल एबिलिटी सी ते रीजनिंग सी, इहनू आपां अरिथमैटिक रीजनिंग भी कह सकते हैं, मतलब मैथ दा थोड़ा जिहा टच सी ते नाल रीजनिंग वाला टच सी। दैन उस तो बाद लैंग्वेजिज़ तीनों मैनशन से अपने 8393 वैकेंसी दे विच, पंजाबी इंग्लिश ते हिंदी। नैक्सट चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड साइकोलॉजी, ये मेन सबजैक्ट जिहड़ा अपना साइकोलॉजी वाला है, ये अपने पुराने पेपर दे विच सिलेबस दे विच तां मैनशन सी, हुण देखांगे भी ये मैनशन होगा कि नहीं होगा। दैन उस तो बाद पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम रिलेटिड विद प्री प्राइमरी एजुकेशन, मतलब हुण जिहड़ियां जिहड़ियां वैकेंसीज आउट होण जा रही हैं इंदे विच की ए वाला सब्जेक्ट होएगा पॉलिसीज़ ते प्रोग्राम्स वाला। फिर उस तो बाद करिकुलम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की ए वाला सब्जेक्ट भी होएगा। तो सब तो पहला अगर आप गल करिए ए वाले सब्जेक्टा की जिंदे विचों डेड श्योर है अपने इस वारी एग्जाम दे विच केड़े केड़े सब्जेक्ट होन जा रहे हैं, तो पहला तो जी के वाला सैक्शन जिहड़ा ये डेफिनेटली होएगा, जिंदे विच करंट अफेयर वाला पोर्शन है ये हुण भी अपने एग्जाम्स दे विच होएगा ही होएगा। इहदा मतलब जेकर आपां अपनी प्रैपरेशन स्टार्ट करनी है तां जीके तो आपां स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि जीके एक थ्यूरी वाला सब्जेक्ट है, तां इहनूं आपां स्लो स्लो स्टडी आपां इहदी तैयारी दे विच होर पक्के हुंदे जावांगे। हुण मेन गल है भी इहदी प्रैपरेशन स्टार्ट कित्थों कीती जा सकती है, तां सब तो पहला पॉइंट जीके दे विच जिहड़ा कवर अप करना है दैट इज़ पंजाब जीके, क्योंकि ए वाली पोस्ट जिहड़ी हैगी अपनी इह पंजाब दी पोस्ट है, ते अपना पंजाब दा पेपर अजिहा कोई भी नहीं हैगा जिंदे विच पंजाब जीके ना पुछी जावे। इट मीनस ये तो श्योर है कि जीके दे विचों पंजाब जीके तो जरूर पुछी ही जाऊगी। दूजा गल पॉइंट अगर आपां इहदे विच देखांगे तो सैकेंड पॉइंट है अपना करंट अफेयर वाला पोर्शन, करंट अफेयर वाला पोर्शन भी डेफिनेटली होगा क्योंकि जीके इहदे बिना अधूरी है। हालांकि बाकी जीके दे सब्जेक्ट करी आपां नहीं स्टार्ट करते क्योंकि आपां नूं पता नहीं कि जीके होर किस लैवल तक जा सकती है,
पर आपां नूं जेकर इन्हां दो सबजैक्टां दी चंगी तरह नॉलेज हो जूगी तां आपां जीके दे विच 60-70% तक इन्हां दो सबजैक्ट नूं कवर करके ही पहुँच जाँगे। दूजा, मैंटल एबिलिटी ते रीजनिंग होएगी कि ए वाला सबजैक्ट होएगा, तां ए भी डेफिनेटली अपने पेपर दे विच ए सबजैक्ट भी डेफिनेटली होएगा। अगेन पंजाब दा तुसी चाहे टैक्नीकल वाला पेपर देख लो ते चाहे तुसी नॉन टैक्नीकल वाला पेपर देख लो, कोई भी पेपर देखोगे तो ए वाला सबजैक्ट अपना जरूर पाया ही जाता है। ठीक है जी, टैक्नीकल दे विच जिवें तुसी कोई भी पेपर देख सकते हो, जेई वगैरह हो गया जां इस तों बिना कोई भी होर जिन्हें विच टैक्नीकल जिवें लैब अटेंडेंट की हुणे पोस्ट आउट हुई सी, तां इहदे विच भी जिहड़ी रीजनिंग ते मैंटल एबिलिटी ये पुछी ही पुछी जाऊगी। इट मीनस ये तो श्योर है कि अपने एंटिटी दे एग्जाम दे विच रीजनिंग वाला पोर्शन डेड श्योर होएगा ही होएगा। तो दो सबजैक्ट आपां क्लीयर हो गए, इन्हां बारे क्लैरिफिकेशन हो गई, एक तो जीके वाला पोर्शन और जीके दे विच की कुछ स्टार्ट किया जा सकता है, सैकेंड अपना रीजनिंग वाला पोर्शन, तो इनकी प्रैक्टिस भी आपां हुणे तों ही स्टार्ट कर सकते हैं, मैथ वगैरह हुणे ही स्टार्ट कर सकते हैं। हालांकि प्रोपर मैथ अगर तुसी नहीं स्टार्ट करना चाहते तो रीजनिंग तो जरूर स्टार्ट कर लियो। तो जिहड़े भी कैंडीडेट एंटिटी की पोस्ट दे विच अप्लाई करन जा रहे अपकमिंग, वो इन दो सबजैक्टा नूं एक तो तैयार रखन, मतलब इन्हां नूं स्टार्ट कर सकते हैं। तीजा, लैंग्वेज की गल की जाए तो क्योंकि अपने पंजाब सरकार ने एक जिहड़ा रूल अपग्रेड किया कि पंजाबी दा पेपर एक स्पैशली तौर पर लिया जाऊगा, मतलब जिहड़ा मेन पेपर होगा उहदे नाल पंजाबी दा पेपर भी डेफिनेटली कंडक्ट किया जाऊगा, तो पंजाबी उत्थे भी आपां उस पेपर दे लई जिहड़ा कि सिर्फ क्वालीफाइंग नेचर दा है। क्वालीफाइंग नेचर मतलब जिहड़े बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं उहदे विचों अद्धे नंबर लैने होंदे है, जेकर 50 नंबर की पंजाबी आ रही है तो 25 नंबर आपां लैने है, तो अपने पेपर दे विच भी क्वालीफाइंग वाली पंजाबी तो आएगी ही आएगी, तो पंजाबी आपां इत्थे प्रिपेयर करांगे, प्लस पंजाबी आपां स्पैशली तौर पर जिंदे विच अपनी मैरिट बननी है तो मैरिट वाले जिहड़े पैटर्न दे विच भी पंजाबी होएगी होएगी, इस तों बिना इंग्लिश ते हिंदी। इट मीनस अपने कोल ए वाले सबजैक्ट तो श्योर है जिहड़े अपने होने वाले एग्जाम्स दे विच भी होणगे, तो पंजाबी क्योंकि 8,893 वैकेंसीज़ दे विच हजे यह गल नहीं की गई सी कि क्वालीफाइंग वाला पेपर होगा पंजाबी वाला, पर इस वारी तो श्योर है कि जिहड़ा हुण वैकेंसीज़ आउट होण जा रही हैं इहदे विच पंजाबी जिहड़ी आ क्वालीफाइंग नेचर वाली जरूर ऐड की जाऊगी, क्योंकि पंजाब सरकार का रूल जिहड़ा ग्रुप सी वास्ते ये पंजाबी क्वालीफाई करना जरूरी है, इस करके जिहड़ा अपने इस पोस्ट दे विच भी पंजाबी क्वालीफाई करना जरूरी होगा। इस तो बिना इंग्लिश एंड हिंदी भी जरूर आएगा ही आएगा। तो जेकर आपां इत्थे लैंग्वेज भी अगर स्टार्ट करनी है तो सब तो लैंग्वेज तुसी जिंदी प्रैपरेशन स्टार्ट करनी है वो पंजाबी स्टार्ट कर सकते हो। दैन उस तो बाद चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड पैडागोजी की गल की जाए तो कि ये वाला सबजैक्ट होएगा, तो हाँ जी इन्दे बहुत चांसिज है, कह लो पूरे पूरे चांसिज है। जे मैं अगर गल करा इन्दे विचों कि आउट ऑफ 100 इन्दे विचों किन्ने परसेंट ये चांसिज है भी ये वाला सबजैक्ट आऊगा ही आऊगा, तो 90% तो भी ज़्यादा चांसिज है ये वाला सबजैक्ट आएगा आएगा। कारण क्योंकि एंटिटी की पोस्ट जिहड़ी हैगी है ये किंदे नाल रिलेटिड है, ये टीचिंग दे नाल रिलेटिड है, पर इंदे विच एंटिटी दी पोस्ट तो पहला कोई भी अपने कोल जिवें ईटीटी वाले वास्ते ते बीएड वाले वास्ते पीटेट क्वालीफाई करना जरूरी है, उस तरह एंटिटी वाले वास्ते कोई भी इस तरह स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं रखा गया, तां करके एंटिटी दे मेन पेपर दे विच ही साइकोलॉजी वाला मेन सबजैक्ट जिहड़ा ऐड किया जाऊगा, क्योंकि एंटिटी टीचर ने करना की है छोटे बच्चों पढ़ाना ते समझाना है, इस करके उन्हां बच्चों की साइकोलॉजी की नॉलेज उस टीचर नूं होनी चाहिए है, इस करके ये वाला सबजैक्ट भी डेफिनेटली आएगा ही आएगा। इनकी प्रैपरेशन किवें करनी है इस इनके बारे आप अलग तो वीडियो दे विच गल करांगे कि साइकोलॉजी किस तरह तुसी कवर अप करनी है, किस लैवल की कवर अप करनी है, इन्दे विच कड़े कड़े टॉपिक्स तुसी प्रिपेयर कर सकते हो, ये तुहानू चैनल दे उपर जिहड़ियां आने वाली लैक्चर सीरीज़ दे विच इन्दे उपर वीडियो मिलेगी कि साइकोलॉजी चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड साइकोलॉजी एंटिटी पेपर दे लई किस तरह आपां प्रिपेयर करनी है, तो वह वीडियो भी तुसी सुन सकते हो।
बाकी चैनल दे नाल अगर तुसी नवें जुड़े हो तां सबसक्राइब कर लो। बाकी अगर कोई भी नोटिफिकेशन या किसी भी चीज़ की तुहानू हैल्प की लोड़ है तां नीचे डिस्क्रिप्शन दे विच तुहानू लिंक मिलेगा टैलीग्राम चैनल का, उस लिंक के उपर क्लिक करके तुसी टैलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। टैलीग्राम चैनल दे विच तुहानू सारे ही नोटिफिकेशन का पता लगता रहेगा। हाँ जी, तां चार सब्जेक्ट तो अपने कोल श्योर हो गए, इस तो पहला पंजवें सब्जेक्ट की गल करन तो पहला तो चार सब्जेक्ट तो अपने कोल श्योर हो गए। केड़े केड़े? जीके, जीके दे विच की कुछ स्टार्ट करना है इन बारे भी पता लग गया अपन। दैन उस तो बाद रीजनिंग, जिंदे विच अरिथमैटिक भी आजूगी ते दूसरी भी आजूगी, मैंटल एबिलिटी भी आजूगी। थर्ड सब्जेक्ट अपना लैंग्वेज वाला, लैंगुएज विच भी अगर आपां गल करिए तां की स्टार्ट करना है तां पंजाबी स्टार्ट करनी है। ते पंजाबी तो बाद अगर तुसी स्टार्ट करना चाहते हो तां साइकोलॉजी वाला सब्जेक्ट, जिंदे विच चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड साइकोलॉजी पूरा सब्जेक्ट है, ये भी तुसी प्रिपेयर कर सकते हो। तां ये वाले चार जिहड़े सब्जेक्ट है ये अपने पेपर दे विच आने वाली नोटिफिकेशन दे विच, जे मैं गल करा तां 100 दे विचों इह तुहाडी 60% तों भी ज़्यादा वेटेज वाले होणगे मन के चलो। इहदा मतलब जदों भी वैकेंसी आउट हुंदी है तां तुहाडा 60% तक ये वाला सिलेबस कवर किया होया होवे जां इहदे नज़दीक होवो, तां कि जिहड़ा जदों अपने कोल नोटिफिकेशन ते पेपर आऊगा तां उदों आपां नूं इक आपां दुविधा विच ना होईए, एक कन्फ्यूजन दे विच ना होईए भी आपां स्टार्ट कित्थों करिए। तुहाडे उदों तक जदों तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तां ये वाले चार सब्जेक्ट बहुत चंगी तरह प्रिपेयर होणगे, तां तुसीं बाकियां नालों रेस दे विच उस टाइम ते अगे होवोगे। ठीक है जी, तां ये चार सब्जेक्ट शुरू करो। हाँ, पंजवां सब्जेक्ट जिहड़ा हैगा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम रिलेटिड विद प्री प्राइमरी एजुकेशन, ये तुसीं हजे नहीं ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये इहदा कोई भी हजे कन्फर्म नहीं हैगा भी ये वाला सब्जेक्ट होएगा कि नहीं होएगा। बाकी जदों भी नोटिफिकेशन आउट होएगा तां उदों इन्दे विच पॉलिसीज़ उदों ही याद रहिंदियां जदों आपां बिल्कुल लास्ट पॉइंट ते जाके पढ़ांगे इन्हां नूं, तां उदों बैटर याद भी रहणगियां पेपर तक भी आपां नूं, ते नाल अपना ज़्यादा बर्डन भी नहीं बनेगा जदों तक आपां ये वाले सब्जेक्ट करदे पए हां। तां इह चार सब्जेक्ट की जिहड़ी प्रैपरेशन है तुसीं रैगूलर बेस ते स्टार्ट कर सकदे हो। बाकी वीडियो अगर तुहानूं वधिया लगी तां लाइक जरूर करके जाइओ, कोई भी डाउट है नीचे कमेंट करके पुछो। तां मिलदे नैक्सट वीडियो दे विच। Thank you very much.